राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस मुखर नजर आ रही है, जिसके चलते इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर की कार्यवाही को राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया, साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी ने रीगल चौराहे पर राहुल गांधी संसद सदस्यता रद्द होने पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने राहुल गांधी की सांसदी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। देखिए विगत दो तीन दिनों में पूरे भारत में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसमें साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के संविधान में स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं में, विपक्ष के अस्तित्व में, आम आदमी के की गरिमा और व्यक्तित्व की बात को सुनने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। स्वाभाविक रूप से अदालतों के किसी भी निर्णय की हम इज्जत भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक दिन पहले फैसला आना और अगले दिन जिस उतावलेपन से भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष चेहरा अपने सारे निर्णयों को प्रभावित करने की जो उनकी कला है, जिसमें वो सरकार के पीछे छुपकर वार करते हैं, उसी के अंतर्गत उन्होंने तत्काल राहुल गांधी जी की सदस्यता को अलोकतांत्रिक तरीके से समाप्त किया। स्वाभाविक रूप से उसके लिए हम लोग पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, और जहां तक ये शब्द है सत्याग्रह का, ये गांधी का दिया हुआ मंत्र है, जिसमें हम अपने सत्य का किसी भी बात का विरोध करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका, लोकतांत्रिक तरीका सत्याग्रह होता है। हमने संकल्प लिया है कि हम जनता की अदालत में जा करके इस संकल्प को, सत्याग्रह को लोगों के बीच ले जाएंगे, अपनी बात लोगों से कहेंगे। अभी तो राहुल गांधी का विषय है, ये तो पूरे देश में यही है। कोई पत्रकार अगर कोई छोटी सी खबर छापता है तो वो जेल में जाता है। विरोध प्रदर्शन में मौजूद इंदौर शहर कांग्रेस के प्रभारी महेंद्र जोशी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी को सरकार की तानाशाही करार दिया। स्वाभाविक है, और कुछ काम नहीं है। देखिए कोर्ट ने कह दिया ये गिरफ्तारी गलत है, तानाशाही चल रही है सर, जो मर्जी है बोल दो। लोग डरे हैं, ब्यूरोक्रेसी डरी है, कर्मचारी डरे हैं, माफ कीजिएगा आपकी बिरादरी पत्रकार डरे हुए हैं। सबको डराने के बाद पता नहीं किस लोकतंत्र की परिकल्पना है। हम तो गांधी के वंशज हैं, उस समय भी महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़ा था, आज के इस दौर में तानाशाहों से लड़ने को राहुल गांधी फिर मैदान में। इस दौरान विधायक जीतू पटवारी, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, प्रेमचंद गुड्डू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, अरविंद बागड़ी, सुरजीत सिंह चड्डा, सच सलूजा, संतोष सिंह गौतम, पिंटू जोशी, स्वप्निल कोठारी, लच्छू मेमरोट, सचिन सिलावट, देवेंद्र सिंह यादव, मोहन मेहरा, अनूप शुक्ला समेत अन्य तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।